देखिए परसेंटेज टॉपिक यानी कि प्रतिशत है ना, टॉपिक है हमारा परसेंटेज। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत प्यारा टॉपिक है ना प्रतिशत। ठीक है, अब परसेंटेज में सबसे पहले बेसिक सीखने की बात करें है ना कि सर सबसे पहले बेसिक बताइए। तो प्रतिशत का बेसिक जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, प्रतिशत के बेसिक में कुछ नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3% कितना होता है, आप जानते हैं 1/6 होता है। 14 2/7% सॉल्व करके आता है, ये कोई जादू नहीं है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो परसेंटेज के फ्रैक्शन तो आप लगभग जो कॉमन है वो जानते हैं ना। ठीक है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रतिशत टॉपिक को से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपने पहले सी आई पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जिस सिक्वेंस में टॉपिक दिए हैं एप्लीकेशन पर वैसे ही आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और परसेंटेज यू सोचिए मैं लास्ट में ले रहा हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, उस हिसाब से लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो जो लोग भी पहली बार ऐप पर क्लास कर रहे हैं वो परसेंटेज टॉपिक से इनिशिएट ना करें, जिस सीक्वेंस में टॉपिक दिया उसी सीक्वेंस में इनिशिएट करें, है ना। तो 16 2/3 पर इस प्रकार से परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म सॉल्व करके आता है ना। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात करें तो देखिए परसेंटेज क्या है, क्या यूज़ है प्रतिशत का, क्यों ये शब्द लाया गया मैथ्स में, प्रतिशत परसेंटेज मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज का काम है बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा को 100 से तोल कर सरल करना, सिंप्लीफाई करना, इजी करना। फिर से बोलूँ, बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा को 100 से कंपेयर करके 100 के रूप में देखना, 100 के हिसाब से बांटना। समझ आ रही बात। थोड़ा सा इसके शब्द को ब्रेक करके देखें, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत यानी कि प्रति 100 के हिसाब से, प्रति 100 यानी कि पर 100 है ना। परसेंटेज, परसेंटेज साइन का मीनिंग होता है पर 100 यानी कि बाय में 100, ये मीनिंग। प्रति 100 यानी कि प्रति 100 यानी कि 100 के हिसाब से जो भी डेटा तो लेंगे है ना, ये मीनिंग है इसका। परसेंटेज, परसेंट यानी कि 100 है ना, और एज यानी कि मैग्नीट्यूड। मत जाओ इन महान शब्दों की गहराइयों में। प्रतिशत यानी कि 100 के रूप में बड़े से बड़े डेटा को 100 के रूप में तोल के 100 के रूप में दर्शाना, बताना, उससे डाटा आपका इजी हो जाता है। क्लियर है ना। ठीक है, ये है परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए बेसिक तो सब आता है, जो शीट में टाइप फर्स्ट है वहां से हम इनिशिएट करेंगे है ना। ठीक है, टाइप फर्स्ट से हम इनिशिएट करेंगे टॉपिक को है ना, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब परसेंटेज टॉपिक की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो देखिए आप कहानी ऐसी है कि प्रतिशत टाइप फर्स्ट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखिए प्रतिशत में जो बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे ना क्वांट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए। हमारा जो गृहस्थ जीवन होता ना, घर का, घर के अंदर की बात, जैसे चावल के भाव बढ़े, तेल के भाव बढ़े, दाल के भाव बढ़े है ना, जो भी ग्रोसरीज वाला आइटम होता है ना घर का है ना, जो भी उन सभी आइटम्स का भाव बढ़ना घटना ये वो, उनके ऊपर परसेंटेज चालू हुआ था कि भैया चावल के भाव 10% बढ़ गए, गेहूं के भाव कम हो गए, तेल के भाव 20% बढ़ गए, दूध के भाव 10% बढ़ गए। तो घर की जो खाने पीने की चीज़ों पर जो भाव घटना घटना बढ़ना होता है ना, वहीं से प्रतिशत टॉपिक का, प्रतिशत टॉपिक में सवालों का इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई है सवालों की है ना, वहीं से। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट हमारा इसी पर है, चीनी के भाव बढ़ गए घट गए, टाइप फर्स्ट पूरा इसी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोर है, हार्ट है पूरे प्रतिशत टॉपिक का टाइप फर्स्ट। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है परसेंटेज में ना, टाइप फर्स्ट वाले। ठीक है, इनको बहुत अच्छे समझना है। तो एक रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 10 रुपये प्रति किलो के भाव से 5 किलो टमाटर लाया, 10 रुपये प्रति किलो के भाव से 5 किलो टमाटर लाया, टोटल खर्चा 50 रुपया हुआ कि नहीं वो बताइए। 10 रुपये प्रति किलो के भाव से 5 किलो टमाटर लाया, टोटल खर्चा 50 रुपये हुआ है ना। 10 के भाव से 5 किलो, 10 × 5 से ही खर्चा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेट। क्या बोलते हैं इसको, रेट है ना। इसको क्या बोलेंगे, 5 किलो मात्रा, क्वांटिटी है ना, क्या हो गई आपकी, क्वांटिटी। ठीक है, रेट इंटू क्वांटिटी, और ये खर्च, खर्च यानी कि इसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे है ना, दिस इज एन एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च है ना। तो रेट यानी कि भाव, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है ना। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे R into Q = E।
आई बात समझ में? मतलब यूँ सोचिए बस, ये रिलेशन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको रेट इंटू क्वान्टिटी बराबर एक्सपेंडिचर की नज़र से मत देखो, इस रिलेशन को मैथमेटिकली ए इंटू बराबर सी वाले फॉर्म से देखो। कौन सा फॉर्म है ये? मैथ्स का ए इंटू बी बराबर सी फॉर्म है ना। ए इंटू बी बराबर सी, यहाँ ए बी और सी कौन है इसमें? रेट क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, ए बी सी की जगह कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे समय और कार्य टॉपिक क्या था? एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। तो समय कार्य टॉपिक भी ए इंटू बी बराबर सी पर ही डिपेंड था। चाल दूरी समय स्पीड डिस्टेंस टाइम है ना, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये भी, तो ये भी ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म है, ये टॉपिक भी पूरा ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म है, ये टॉपिक परसेंटेज टॉपिक भी ऑलमोस्ट ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन मैथ्स, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको रेशियो में, रेशियो में पार्टनरशिप पूरा टॉपिक, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, पूरा पार्टनरशिप टॉपिक ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म है। यानी कि ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को अरिथमेटिक के कैप्चर किए हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जाम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों इसी ए इंटू बी बराबर सी पर ही बेस्ड है पूरी तरह से, ठीक है ना। अब कैसा होगा, क्या यूज है इस रिलेशन का, ये रिलेशन चीजों को कैसे सरल करेगा, न जाने कैसे कैसे अलग अलग दिखने वाले सवाल एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक से साबित हो जाएंगे। समझ आ रही बात, क्या यूज है इसका? अलग अलग दिखने वाले सवाल, वो सवाल बिल्कुल अलग दिख रहा है, वो सवाल बिल्कुल अलग दिख रहा है, मतलब यूं बोले 7-8-10 प्रकार के सवाल है ना इस रिलेशन के ऊपर एक ही प्रकार से एक ही तरीके से हो जाएंगे, है ना। अलग अलग टाइप्स को ये एक ही टाइप बना के सभी सवालों को अपने अंदर लेके ये रिलेशन ईजी कर देगा, ठीक है ना। तब देखेंगे हम, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तीन मेंबर है इसमें, कितने मेंबर है? तीन। सवाल बनेगा कैसे, इन तीन में से किन्हीं दो की जानकारी आपको देगा, तीसरे की जानकारी आपसे निकालने को बोलेगा, है ना। फिर से बोलो, देखो कितनी अच्छी बात है, इन तीन में से किन्हीं दो की वैल्यू देगा, तीसरे की वैल्यू आपसे मांगेगा, बस। तो दो की वैल्यू लगा के तीसरी वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? हो सकता है ई निकालने को बोले, आर और क्यू, क्यू का वैल्यू दे दे, मल्टीप्लाई कर देना, ई आ जाएगा। हो सकता है क्यू का वैल्यू निकालने को बोले, आर और ई का वैल्यू दे दे, तो ई के अपॉन में आर चला जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा। हो सकता है क्यू और ई का वैल्यू दे दे, आर निकालने को बोले, तो ई बाई क्यू कर देना, आर का वैल्यू आ जाएगा। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहां पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट यानी कि खर्च क्या है, समान है ना। वे सवाल हम करेंगे जहां पे खर्च क्या है, समान है ना, ठीक है। जहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट यानी कि समान, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या मतलब है इसका समान का। सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल कहानी सुनाता हूँ कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का प्रैक्टिकली हमारे घर में क्या मतलब है इस चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल चावल के भाव बढ़ गए 10%, है ना। अब चावल के भाव बढ़ गए 10%, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है कि हम बढ़ा के, पहले 100 रुपये के चावल लाते थे, वही चावल 10% भाव बढ़ने से 110 का आएगा, है ना। अब हमारी क्षमता नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम 110 का खरीद पाएँ, तो हम अब भी 100 का ही खाएंगे, पहले भी 100 का ही खाते थे, जो चावल हम 100 का खाते थे अब वो 110 का हो गया, लेकिन हमारी तो क्षमता है नहीं 110 खर्च करने की, हम तो अब भी 100 ही खर्च कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, खाने वाला सामान कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। तो कहने का मतलब हमारी गरीबी की वजह से हमारा खर्चा कॉन्स्टेंट बनाए रखना पड़ा हमें। 100 का जो चावल आता था वही चावल 110 का आता है, लेकिन पहले भी 100 का खरीदते थे, भाव बढ़ने के बाद भी 100 का ही खरीदेंगे। तो भाव बढ़ने के पहले 100 का खरीदते थे एक स्थिति, भाव बढ़ने के बाद भी 100 का ही खरीद पा रहे हैं दूसरी स्थिति। समझ आ रही बात, ठीक है। दोनों स्थिति में खर्चा क्या है, सेम 100-100 रुपये। तो किन्हीं दो सिचुएशन में खर्चा सेम होने वाले सवाल, आई बात समझ में। तो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए मैंने आपके सामने कि गरीब परिवार क्या करेगा, 100 का खाता था, 110 का आएगा वही सामान, लेकिन फिर भी वो 100 का ही, भाव बढ़ने के पहले भी 100 का खरीदता था, भाव बढ़ने के बाद भी 100 का खरीद रहा है, पहले भी 100 रुपया ही खर्च करता था, भाव बढ़ने के बाद भी 100 रुपया ही खर्च कर रहा है, बताइए खर्चा समान वाली सिचुएशन बनी कि नहीं बनी।
तो खर्चा समान कैसे होगा, ये बात समझ में। तो इसी सिचुएशन वाले सवाल सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में से चुन चुन कर करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सवाल की कहानी में यदि खर्चा समान दिखे तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे मैथमेटिकली, है ना। जैसे ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनल मतलब मान लो पहले भाव 100 रुपये का था, वही सामान 110 का, 10% बढ़ गया, तो पहले ओरिजिनल भाव था, ओरिजिनल भाव ए था, अब नया भाव कितना हो गया बी, 10% 20% जो भी बढ़ गया, भाव बदल गया, है ना। पहले भाव ए था और अब नया भाव कितना हो गया आपका बी। आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब यहाँ से आप देखिए, है ना, यदि भाव ए से बी होगा, है ना, ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम खर्चा समान वाले सवाल करेंगे, है ना। जब भी सवाल में खर्चा समान देगा उसका फ़ायदा हम ये उठाएंगे कि रेट को उल्टा करके मात्रा बना सकते हैं और मात्रा को उल्टा करके रेट, ये वाला गेम चलेगा। रेट को उल्टा करके मात्रा का रेशियो बना सकते हो, मात्रा को उल्टा करके, है ना, रेट को इन्वर्स करके क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा, क्वांटिटी को इन्वर्स करके रेट का रेशियो बन जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब होगा, जब खर्चा कॉन्स्टेंट हो। जब भी खर्चा कॉन्स्टेंट होगा तो ये खेलना है, ये आई बात समझ में। ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं ये पिक्चर आपको, ताकि आपको रट जाइए। पिक्चर, हमारा दिमाग पिक्चर को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मेमोराइज करता है, तो ये याद रहेगा आपको। जब भी खर्चा कॉन्स्टेंट दिखे सवाल में आपको ऐसे करना है, समझ आ रही बात। रेट का रेशियो दिखे तो उल्टा करके क्वांटिटी बना सकते हो आप, क्वांटिटी को रेशियो दिखे तो उसको उल्टा करके रेट बना सकते हो। आई बात समझ में। ये कब कब करने की परमिशन आपको मिल जाएगी, जब सवाल में खर्चा क्या हो समान। तो खर्चा समान वाले सवाल जितने भी टाइप फर्स्ट में सबसे पहले वे कर लेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, सर ये क्यों ऐसा हो रहा है, खर्चा समान में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट इंटू क्वांटिटी से ही तो एक्सपेंडिचर बनता है। तो रेट इंटू क्वांटिटी से क्या बनेगा आपका, एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। अब ये ओरिजिनल रेट और ओरिजिनल क्वांटिटी, तो यहाँ से आपका खर्च बनेगा ना। अरे भैया, ओरिजिनल वाला रेट और ओरिजिनल वाली मात्रा, तो रेट इंटू क्वांटिटी, खर्च आपका ए बी बना के नहीं बना, खर्च आपका ए बी बना के नहीं बना। अब देखिए यहाँ की बात करें तो नए वाले कॉलम में रेट बी है और मात्रा ए है। अब देखो यहाँ का भी खर्च सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए इंटू बी ए बी। तो यदि आपको दोनों का खर्चा, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है ना, सवाल ने पहले क्लियर, यदि खर्चा कांस्टेंट रखना है तो आपकी मजबूरी है कि रेट के रेशियो को उल्टा करोगे, तभी तो ना दोनों ए बी खर्चा इक्वल बैलेंस होगा। तो खर्चा जब इक्वल बैलेंस करना होता है तो हमें रेट और क्वांटिटी को क्या करना होता है, इन्वर्स। आई बात समझ में, क्लियर। रेट और क्वांटिटी को इन्वर्स करेंगे तो देखिए, ये भी ए इंटू बी, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर ए बी बैलेंस हो रहा है, ये भी रेट इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर ए बी बैलेंस हो रहा है, क्लियर। और कुछ भी कर लो आप, कुछ भी लिख लो तो बैलेंस नहीं होगा दोनों ओर से। मान लो आपका मन कर रहा है, सर इधर में 1 लिख लो, इधर भी 1 लिख लो, तो ए इंटू 1 ये खर्चा ए है, बी इंटू 1 ये खर्चा बी है, हो रहा है क्या दोनों खर्चा बराबर, नहीं हो रहा है। तो आपको ए की मजबूरी आपको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो ए बी को क्या लिखोगे, बी है, क्लियर, ताकि खर्चा क्या हो, बैलेंस हो। तो खर्चा समान दिखाने के लिए आपको रेट और क्वांटिटी आपस में इन्वर्स करना पड़ेगा। तो जब भी खर्चा समान हो आप रेट और क्वांटिटी को इन्वर्स करके गेम खेल सकते हो, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, क्लास शीट, है ना, क्लास शीट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, रेट इंटू क्वांटिटी। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, परसेंटेज की दुनिया में जितने भी क्वेश्चन भाव वाले दिखे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम परसेंटेज के क्वेश्चंस में कहाँ होती है पता है, जो भाव वाले क्वेश्चन है ना, चीनी का भाव बढ़ गया, चावल का भाव घट गया, ये जो भाव वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो जितने भी भाव वाले रेट वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म से होंगे, क्लियर। जो भी क्वेश्चन भाव वाला दिखे आपको, उस भाव या रेट वाले क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले के नज़र से देखना है उस सवाल को, तो सवाल तुरंत समझ में भी आएगा, सॉल्व भी होगा, समझ आया क्या। जितने भी भाव या रेट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आप पढ़ते पढ़ते रेट या भाव आपको दिखे, भाव बढ़ रहा है घट रहा है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस फॉर्मूले के नज़र से देखना है, तो क्वेश्चन तुरंत समझ में भी आएगा, सॉल्व भी होगा। अब क्वेश्चन बनेंगे कैसे, 3 में से किन्हीं 2 की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा मैं देख लेता हूँ, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चावल के भाव में 16 2/3% की कमी आ जाती है, ठीक है ना।
चावल के भाव में 16 दो बटा 3% की कमी आ जाती। भाव देखो, भाव में कितनी कमी आ रही है, कमी भाव में क्या परिवर्तन है, 16 2/3% कम हो रहा है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत में यानी कि मात्रा में, कंजप्शन में, कंजप्शन में कितने परसेंटेज इंक्रीज करें, निकालना है क्वांटिटी निकालना है, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन नहीं यानी कि खर्च क्या दिया है आपको, कॉन्स्टेंट, समान, खर्च में कोई चेंज नहीं। आई बात समझ में, ये आपको दिया है ना, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो रेट 16 2/3% घटेगा, मात्रा में कितने परसेंटेज चेंज करेंगे, खर्च में कोई परिवर्तन हो। मैंने क्या बोला था आपको, सवाल कैसे बनेगा, तीन में से किन्हीं दो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेट की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, है ना, क्लियर, ठीक है ना। क्वांटिटी आपने निकालना है, आई बात समझ में, ठीक है ना। रेट का इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एक्सपेंडिचर का इन्फॉर्मेशन है आपके पास, है ना, ठीक है। हमें क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन निकालनी, आई बात, मैंने बोला था तीन में से किन्हीं दो की इन्फॉर्मेशन देगा, तीसरा मांगेगा। अब एक्सपेंडिचर, जैसे एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट दिखा, ये वाला गेम हमें खेलना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे रेट 16 2/3% कम यानी कि 6 में 1 कम, तो 6 में 1 कम तो रेट 6 से 5 हो गया, ओरिजिनल से न्यू, है ना। ओरिजिनल रेट मान लो 6 था, तो 6 में 1 कम, 16 2/3% फ्रैक्शन 1, 6 में 1 कम, 6 से कितना हो गया, 5, क्लियर। तो बताइए, रेट यदि 6 से 5 है तो मात्रा को हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, 5 से 6 कर सकते हैं क्या, आती है। रेट यदि 6 से 5 है तो मात्रा को हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, 5 से 6, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। मतलब हमें ये पता चला कि पहले 5 किलो सामान आता था, अब सामान कितना आता है, 6 किलो, यानी कि बताइए 1 किलो सामान ज़्यादा आता है कि नहीं आता है, आई बात समझ में, क्लियर है। कितना सामान ज़्यादा आता है, 1 किलो, है ना, ठीक है। 1 किलो सामान ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो 1 किलो बढ़ रहा है किसमें, 5 में, 5 से 6 यानी कि 1 किलो बढ़ा 5 में, है ना। 5 से 6 यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, 1 बढ़ा ना, 1 इंक्रीज हुआ 5 में into 100, तो बताइए 20% बढ़ेगा क्या, है ना। तो मात्रा को कितना परसेंट बढ़ाओगे, 20%। जब आप रेट को 6 से 5 करोगे तो क्वांटिटी 5 से 6 हो जाएगी, क्लियर। मैंने बोला ना, जब भी खर्च में कोई चेंज ना हो, खर्चा समान हो, तो आप रेट और क्वांटिटी का इन्वर्स कर सकते हो, क्लियर। तो 6 से 5 दिया है, 6 में 1 कम, 6 से 5, है ना, समझ में आ रहा ना। इसको आप इस प्रकार से लिख पाओगे, 6 में 1 कम यानी कि 6 से 5, तो वो क्या हो जाएगा, 5 to 6, क्लियर। तो 5 से 6 यानी कि 1 बढ़ा 5 में, 5 से 6 यानी कि एक प्रकार से 100 से 120 है, 100 से 120 को काटोगे 5 से, बताइए 20% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 100 और 120 पे जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से, आपके अंदर से आना चाहिए, 5 से 6 यानी कि 1 बढ़ा 5 में, अंदर से, ये शब्द अंदर से निकलने चाहिए, आपके दिल से निकलने चाहिए, 5 से 6 1 बढ़ा 5 में into 100, तो 1/5 of 100, 20% बढ़ा, क्लियर। तो ये वाला टास्क क्लियर है, ऐसे सवाल प्रैक्टिस शीट में कई सारे, 2-3-4 ये आपको खुद से करने हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट वाला है। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला है, देखिए आ जाते हैं, ठीक। यदि बढ़ेगा तो 6 से 7 करोगे, 6 से 7, तो ये 7 से 6 आएगा फिर, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला है ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चीनी के भाव में 16 2/3% की वृद्धि होने पर, चलो भैया रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। चीनी के भाव में कितनी वृद्धि हो रही है, 16 2/3% की वृद्धि होने पर 420 रुपये में पहले से 10 किलो कम चीनी मिलती है। एक्सपेंडिचर खर्च 420 रुपये खर्च कर रहा है, खर्च समान है, कॉन्स्टेंट है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा बोला नहीं है खर्च समान है, मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं SSC मेन एग्जाम की बात करूँ तो लगातार 6-7 सालों तक आया है, 2012-13 से लेके 2016-17 तक, ये सवाल इस प्रकार का सवाल, वैल्यू चेंज इस प्रकार का सवाल है ना। अब देखिए क्या बोला इसमें, चीनी के भाव में 16 2/3% की वृद्धि होने पर 420 रुपये में पहले से 10 किलो कम चीनी मिलती है ना, ठीक है। 420 रुपये में पहले से 10 किलो चीनी कम मिलती है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। चीनी के भाव में 16 2/3% की वृद्धि होने पर 420 रुपये में पहले से 10 किलो चीनी कम मिलती है, यानी कि 16 2/3, 16 2/3% रेट बढ़ा,
यानी कि पहले कोई रेट था, अब नया रेट आया 16.2/3% बढ़ के, दो सिचुएशन हो गई। पहले कोई ओरिजिनल रेट था, अब नया रेट आया 16.2/3% बढ़कर, आई बात समझ में क्लियर, रेट 16.2/3% बढ़ गया। रेट बढ़ जाने पर 420 रुपये में पहले से 10 किलो चीनी कम आ रही है। रेट पहले स्थिति रेट ओरिजिनल था, नई स्थिति रेट बढ़ा, रेट बढ़ जाने पर 420 रुपये में पहले से अब 10 किलो सामान कम आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ओरिजिनल जब रेट था तब भी वो 420 रुपये का सामान लाता होगा, रेट बढ़ने के बाद भी 420 रुपये का ही सामान ला रहा है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि रेट बढ़ने से पहले भी 420 रुपये का सामान लाता था, रेट बढ़ने के बाद भी 420 रुपये का सामान ला रहा है ना। इस 420 रुपये में पहले से अब 10 किलो सामान कमा रहा है। आती बात समझ में क्लियर? तो हमें मतलब नहीं है कितना सामान कमा रहा है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि पहले भी 420 ही खर्च करता था और अब भी 420 रुपये ही खर्च कर रहा है, यानी कि खर्चा समान है दोनों स्थितियों में 420 400, है ना। 16.2/3% बढ़ जाने से पहले से अब 10 किलो कम आता है, पहले भी 420 का खरीदता था, अब भी 420 का खरीदता है, पहले 420 रुपये में जो सामान आता था उसकी तुलना में अब उसी 420 रुपये में 10 किलो कम आता है। हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतने मतलब है कि दोनों ओर खर्च कितना है 420, तो खर्चा समान है जो कितना है 420, क्लियर। तो चलिए अब देखिए, है ना, 16.2/3% बढ़ रहा है ओरिजिनल से न्यू, है ना, यानी कि 6 में एक बड़ा, यानी कि 6 से 7 हो गया ना, तो मात्रा कितनी हो जाएगी बताइए, 7 से 6। क्यों कर सकते हो आप, ये क्यों कर सकते हो, क्योंकि खर्चा समान है तो कर सकते हो। ध्यान रखना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पहले सामान 7 यूनिट आता था, अब सामान 6 यूनिट आ रहा है, कितना यूनिट कम आ रहा है बताइए, 1 यूनिट कम आ रहा है क्या, है ना। पहले 7 यूनिट आता था, अब 6 यूनिट आ रहा है, तो कितना सामान कम आ रहा है, 1 यूनिट कम आ रहा है, आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना, 1 यूनिट सामान कम आ रहा है, ठीक है। ये 1 यूनिट सामान किसके बराबर दिया है आपको, 10 किलो के बराबर दिया है, 1 = 10 किलो, है ना, 1 यूनिट सामान। इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े से उलझे हुए सवाल को ये तरीके से बहुत सरलता से इजीली ओरली हो जाएगा सब, है ना, सीख लो एक बार, है ना। तो 1 यूनिट बराबर 10 किलो, तो 7 यूनिट बराबर इंटू 10 और 6 यूनिट बराबर इंटू 10, तो बताइए 70 किलो आएगा, और ये कितना आएगा, 6 × 10 60 किलो आएगा। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हमें क्या पता चला कि पहले 420 रुपए का पहले भी खरीदता था, 420 रुपए का अब भी खरीद रहा है, 420 रुपए में पहले 70 किलो आता था ओरिजिनली, 420 रुपए में अब 60 किलो आता है, बताइए 10 किलो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है 10 किलो कम। तो हमें अंदर से खोद खोद कर हम सच्चाइयाँ निकालते जा रहे हैं कि 420 रुपए में पहले 70 किलो आता था, अब 420 रुपए में कितना आ रहा है, 60 किलो आ रहा है। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो अब 420 रुपए में कितना आ रहा है, 60 किलो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 6 रुपया प्रति किलो है ना, अरे काटोगे ना, तो प्रति किलो 6 रुपया रेट, मतलब 1 किलो 6 रुपये का आता था, तो रेट भी पता चल गया ना, देखो रेट भी पता चल गया, सारी चीज़ अपने आप खुद खुद कर निकलती जा रही है। पुराना रेट 6 रुपये प्रति किलो था, नया रेट क्या बन रहा है, 0.0607 42, बताइए नया रेट आपका 7 रुपीज़ पर केजी है कि नहीं है, क्लियर। तो चार चीज़ें हमने खोद कर निकाल ली कि पुरानी खपत कितनी थी, 70 किलो, पहले 420 रुपए में पहले 70 किलो सामान आता था, यानी कि पहले 70 किलो चावल लाता था, वो चीनी या चावल जो भी, अब 60 किलो लाता है, 10 किलो कम लाता है। तो पुराना कंजप्शन, पुरानी खपत की मात्रा 70 किलो, नई खपत की मात्रा 60 किलो, दो जानकारी ये निकाली। तीसरी चौथी जानकारी हमने क्या निकाली कि 420 रुपए में पहले 70 किलो, यानी कि रुपया प्रति किलो से ही तो रेट बनेगा ना, ऊपर रुपया नीचे किलो, तो प्रति किलो बताइए 6 रुपया प्रति किलो बैलेंस हो रहा है, यानी कि पुराना रेट 6 रुपया प्रति किलो, 420 रुपए में अब 60 किलो आ रहा है, तो नया रेट 7 रुपये प्रति किलो। चारों जानकारी आ गई, जो मांगेगा वो बता देंगे, क्या मांगा है उसने हमसे, डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस और न्यू प्राइस के बीच का अंतर, 6 और 7 का अंतर बताइए 1 रुपये प्रति किलो आएगा कि नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड न्यू प्राइस, है ना, तो एक्चुअल प्राइस एंड न्यू प्राइस का बीच का डिफरेंस है, ठीक है, 1 रुपया प्रति किलो, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट का आंसर ये आएगा,
एक्चुअल प्राइस और न्यू प्राइस, ये एक्चुअल ओरिजिनल वाला न्यू, एक रुपये प्रति किलो। दूसरा एक्चुअल कंजप्शन है ना, यानी कि वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत दूसरे पॉइंट का आंसर ये आएगा 70 किलो है ना, और नई खपत, नई खपत तीसरे पॉइंट का आंसर ये आएगा 60 किलो है ना, न्यू कंजप्शन। और बाकी ये भी पूछ सकता था ओरिजिनल रेट और न्यू रेट, तो ओरिजिनल रेट 6 रुपया प्रति किलो, वास्तविक भाव और नया भाव साहब, समझ में आई। ये चार चीज़ें निकालनी होगी आपको हमेशा है ना, कितना इजीली निकाला, 6 7 7 6 1 = 10, तो 70 किलो 60 किलो, 420 रुपये में 70 किलो, 420 रुपये में 60 किलो, जो हुआ बस उसको लिखते जाओगे आंसर सामने, क्लियर। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे में हमने किया है ना, ठीक है। अब इसके बाद सवाल नंबर 5 भी इसी प्रकार का है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% बढ़ रहा है आम का मूल्य है ना, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, एक व्यक्ति को 40 रुपये में, 420 की जगह यहाँ 40 रुपये, ये भी कांस्टेंट है। अब देखो क्या भाषा है, आम का भाव 20% बढ़ गया, पहले जो आम 100 का था वो 120 का हो गया, कहने का मतलब ये पहले पुराना भाव था ओरिजिनल, 20% बढ़ गया, भाव बढ़ जाने से 40 रुपये में 4 आम कम मिले, यानी कि पहले भी 40 रुपये के आम खरीद रहा था, कहने का मतलब अब भी 40 रुपये का ही खरीद रहा है, तो भाव बढ़ने के बाद उसी 40 रुपये में 4 आम कमा रहे हैं, यानी कि पहले भी 40 रुपये अब भी 40 रुपये, तो खर्चा समान है, बस खत्म हो गया सवाल हमारा यही है ना, रेट ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। 20% यानी कि 1/5, 5 में एक बड़ा, तो रेट का रेशियो आएगा 5 से 6, क्लियर है ना, यदि रेट आएगा 5 से 6 तो मात्रा का रेशियो क्या आएगा आपका 6 से 5, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यदि रेट 5 से 6 है तो मात्रा का रेशियो आएगा 6 से 5 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए है ना, तो पहले मात्रा 6 यूनिट थी, अब मात्रा 5 यूनिट है, तो बताइए मात्रा 1 यूनिट घट रही है, और 1 यूनिट बराबर 4 आम, बताइए पहले से 4 आम कमा रहे ना, है ना, पहले भी 40 रुपये खरीदता था, अब भी 40 रुपये खरीद रहा, बताइए कितने आम कमा रहे हैं, 4 आम कमा रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो 1 यूनिट बराबर 4 आम, क्लियर, 1 = 4, तो 6 = अच्छा निकालना क्या है पहले ये तो देख ले, मैं निकालना क्या है इसमें, वैसे तो चारों जानकारी आप निकालने में सक्षम है, निकाल लोगे ना चारों इन्फॉर्मेशन, 6 = 24 आम, यानी कि पहले 24 आम आते थे, अब 20 आम आते हैं, पहले 24 आम आते थे 40 रुपये में, अब 40 रुपये में 20 आम आते हैं, चारों इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। अब ये क्या मांग रहा वो देख लेते हैं ना, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, चल देखो यहाँ पे 1 = 4 आम, तो 6 = 6 4 = 24, 24 आम है ना, 5 = 5 4 = 20 आम, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, 24 आम है ना, 24 आम और 20 आम, ठीक है, यानी कि पहले समझ में आया, 40 रुपये का पिक्चर हमेशा 40 रुपये पिक्चर बनाते हो ना प्रैक्टिकल, तो कन्फ्यूजन नहीं होता और गलतियाँ भी नहीं होती, 40 रुपये में पहले भी खरीदता था अब भी खरीद रहा है, 40 रुपये में पहले 24 आम आते थे है ना, कितने आते थे 40 रुपये में 24 आम, अब उसी 40 रुपये में कितने आम आ रहे हैं 20 आम है ना, 20 आम आ रहे हैं, पहले 40 रुपये में 24 आते थे, भाव बढ़ने के बाद 40 रुपये में केवल 20 आ रहे हैं, 4 आम कम आ रहे हैं ना, उसी पैसे में पहले 24, उसी पैसे में 20, 4 आम कम आ रहे हैं, क्लियर। अब उसने क्या मांगा हमसे, उसने ये बोला है, देखो शब्दों पे ध्यान दो है ना, द प्राइस ऑफ 15 मैंगोज बिफोर इंक्रीजिंग वॉज, ठीक है ना, हिंदी में बता देता हूँ, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य, तो वृद्धि के बाद का रेट ये है और वृद्धि से पहले का रेट ये है, वृद्धि के पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, आई बात समझ में, क्लियर। तो 24 आम का मूल्य यदि इतना है तो 15 आम बराबर कितना, तो एक काम कर इसको 8 से काट दें, 8 से 3 बार, 8 से 5 बार, यानी कि 3 आम 5 रुपये के, तो 15 आम कितने के, 15 आमों का मूल्य क्या था, 3 आम 5 रुपये के, तो 15 आम यानी कि × 5 × 5 करेंगे है ना, देखो तो 15 आम आपके 25 रुपये के बनेंगे कि नहीं बनेंगे है ना, तो 15 आम कितने के बनेंगे आपके
25 रुपए के। आई बात 3 × 5 = 15 × 5 तो 15 आम 25 रुपए के। तो वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य क्या था? 25 रुपए। अभी तो समझा रहा हूँ, टाइम लगा, ओरली करता मैं सीधे कर देता। 5 × 6 = 6, 5 1 = 4, 6 = 24, 24 आम 40 रुपए का। तो भैया 3 आम 5 रुपए का, तो 15 आम 25 रुपए का, ये इतने से आंसर आएगा इस सवाल का, है ना? तो 25 रुपए का। क्लियर आई बात समझ में, है ना? ठीक है, 5 के बाद हम करेंगे सवाल नंबर 7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, खर्चा कांस्टेंट वाले सवाल कर रहे हैं सारे हम अभी, है ना? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना? ठीक है, सवाल नंबर 7, है ना? ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 7 क्या है देखिए, रेट क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के भाव में x% की वृद्धि होने पर y रुपए में पहले से 10 किलो कम चीनी खरीद पाता है, है ना? भाव बढ़ जाने से y रुपए में पहले से 10 किलो कम, यानी कि पहले भी y रुपए का खरीदता था, अब उसी y रुपए में 10 किलो कम आ रहा है, हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि पहले भी y रुपए का खरीदता था, अब भी y रुपए खरीदता है, खर्चा समान है ना? तो खर्चा समान है, खर्चा कांस्टेंट, मतलब हमें क्रॉस करने की परमिशन मिल गई, खत्म बात, है ना? कांस्टेंट यानी कि खर्चा आपका समान है वाई रुपए, ठीक है, हमें इसमें x और y का ही वैल्यू बस निकालना है, ठीक है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, चीनी के वास्तविक मूल्य तथा नए मूल्य का अंतर 1 रुपए जो भी है, चलिए रेट का रेशियो, ओरिजिनल न्यू, ओरिजिनल एंड न्यू, है ना? ठीक है, अब यहां से देखिए आप, रेट का रेशियो पता नहीं, लेकिन मात्रा का रेशियो जरूर पता है हमें। क्या बोला उसने, कितना किलो कम ज्यादा आ रहा है ना? पहले से अब 10 किलो सामान कम आ रहा है क्या? 10 किलो कम चीनी आ रही है भैया, कितना इजीली निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, देखिए कितना सरल तरीके से निकालेंगे, ऐसे जाके और बिल्कुल निकाल देंगे ओरली ऑलमोस्ट, ना 10 किलो कम आता है, ठीक है ना? वहां अब 60 किलो खरीद पाता है, अब नया मात्रा नई क्वांट 60 किलो खरीद पाता है, पहले से अब 10 किलो कम है और 60 किलो आ रहा है, 10 कम करके 60 किलो आ रहा है, मतलब हम समझ गए यहाँ पर 70 किलो था कि नहीं था, क्लियर है ना? 10 कम करके 60 किलो आ रहा है, यानी कि बताइए यहाँ पर 70 किलो था कि नहीं था, ये बात समझ में? तो बताइए 7:6 का रेशियो है ना? अरे 7:6 का रेशियो है तो इसको उल्टा करके लिख सकते हो ना, है ना? जैसे उसको उल्टा करके, तो इसको उल्टा करके, तो 7:6, तो इसको क्या लिख सकते हो? 6:7, यानी कि पुराना भाव 6 यूनिट है, ओरिजिनल भाव और नया भाव 7 यूनिट है। तो बताइए रेट भाव 1 यूनिट बढ़ा क्या? 1 यूनिट बढ़ा 6 में, 1 यूनिट बढ़ा 6 में, है ना? तो भाव कितना बढ़ा आपका? 1 यूनिट बढ़ा 6 में × 100, तो ऐसा बोल सकते हैं भाव आपका 16 2/3% बढ़ा। तो जो x% भाव बढ़ा आपका, इसकी वैल्यू बताइए 16 2/3% आई कि नहीं आई? तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 16 2/3। अरे यार 6 से 7 ना, 6 से 7 मतलब 1/6 में, 1/6 में तो × 100, बताइए भाव आपका 16 2/3% बढ़ा, तो x का वैल्यू तो ऑलमोस्ट ओवरली आ गया 16 2/3%, क्लियर? अब हमें निकालना y का वैल्यू, y यानी कि खर्च। अब आप जानते हैं खर्च का वैल्यू रेट इंटू क्वांटिटी से आएगा, y यानी कि आपको खर्च निकालना है ना, खर्च का वैल्यू किससे आएगा? रेट इंटू क्वांटिटी से, क्लियर? तो रेट इंटू क्वांटिटी करेंगे तब जाके आपका y का वैल्यू आएगा। आई बात समझ में? अब सुनिए मेरी बात, है ना? रेट इंटू क्वांटिटी करेंगे तो खर्च आएगा, खर्च यानी कि y का वैल्यू। अब सुनिए, पुराने भाव और नए भाव का अंतर 1 यूनिट बराबर सच में आपको 1 रुपया प्रति किलो ही दिया गया है। देखो पढ़ो आप, है ना? चीनी के वास्तविक मूल्य तथा नए मूल्य में अंतर 1 रुपया है, क्लियर? तो वास्तविक मूल्य और नए मूल्य में अंतर 1 बराबर सच में 1 रुपया प्रति किलो है, तो 6 बराबर सच में आपका ओरिजिनल रेट 6 रुपये प्रति किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, और नया रेट 7 बराबर 7 रुपये प्रति किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ओरिजिनल रेट 6 बराबर 6 रुपये प्रति किलो, नया रेट 7 बराबर 7 रुपये प्रति किलो, क्लियर है ना? 6 रुपये प्रति किलो के भाव से 70 किलो, अरे रेट इंटू क्वांटिटी से ही तो एक्सपेंडिचर आएगा ना यार, समझो ना बात को, खर्च निकालना है आपको और खर्च आपका वाई है, तो खर्च वाई रेट इंटू क्वांटिटी से ही तो आएगा। तो पुराना रेट 6 यूनिट नहीं, 6 रुपया प्रति किलो है ना, वो तो किस्मत से 6 यूनिट ही 6 के बराबर है, 6 बराबर 12 भी हो सकता था, तो रेशियो वाली लैंग्वेज नहीं लेंगे, ओरिजिनल लैंग्वेज लेंगे। तो
छः यूनिट नहीं ले रहा हूँ मैं, 6 रुपया प्रति किलो के भाव से, 70 किलो ओरिजिनल है ये भी, तो 6 रुपया रेट, 6 रुपया प्रति किलो के भाव से 70 किलो सामान, तो बताइए वाई की वैल्यू 420 रुपये आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है ना। तो या तो इधर से निकाल लो या फिर इधर से निकाल लो, दोनों ओर से वही आएगा आपका 420 रुपया। 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 70 किलो, 7 6 42, 420 रुपया, तो ओरिजिनल खर्च भी 420 था और नया खर्च भी 7 रुपये प्रति किलो रेट के हिसाब से 60 किलो, 7 6 42, 420, तो दोनों ओर से निकाल सकते हो। 6 × 70 ऐसे भी कर सकते हो या फिर इधर से 7 × 60 से भी 420 आ जाएगा। आई समझ में, क्लियर? तो कैसे हमने x निकाला और y की वैल्यू कैसे निकाली 420, आई बात समझ में, क्लियर? तो x 16 × 2/3 आएगा और y कितना आएगा 420। तो ये खर्चा कांस्टेंट वाले सवाल आपको समझ में आते हैं, कैसे कैसे किए हमने, किस आर्ट का हमने यूज़ किया, कितना स्मार्टली हमने चला और कितने अच्छे से हमने क्वेश्चंस किए, है ना, दिख रहा ना सभी को, ठीक है? तो बड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं? ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की बात हम करें, है ना। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया, है ना, 5 कर लिया, 7 कर लिया, ठीक है ना। ये खर्चा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी खर्चा कांस्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा बाद में, है ना, उस क्वेश्चन को अभी नहीं छुए आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कैरेक्टर है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो अभी खर्चा कांस्टेंट वाले सवाल हमने किए और मैंने आपको पहले ही बता दिया सवाल भाव वाले सवाल बनेंगे कैसे, तीन में से किन्हीं दो की इन्फॉर्मेशन होगी, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, देखते हैं तीन में से किन दो की इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे दी है। चावल के भाव में 57 1/7% इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 57 1/7% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें कि खर्च केवल 14 × 2/7% बढ़े। अब देखो खर्चा कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला गेम लगेगा नहीं, खर्चे में चेंज दिया है, कांस्टेंट नहीं है, दिया है चेंज है, खर्चे में भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताता हूँ, है ना। क्वांटिटी का वैल्यू आपको निकालना है, ध्यान देना, क्वांटिटी है ना, ये वाला केस नहीं है अभी। क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, ई बाई आर से निकालोगे, बताइए क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ई बाय आर, बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ई बाय आर, है ना, ठीक है, ई बाय आर, ठीक है। तो ई बाय आर ओरिजिनल वाला और ई बाय आर नया वाला, है ना, अरे ओरिजिनल और नया, है ना, ई बाय आर से ही तो आएगी ना मात्रा, खर्चे में भाव से भाग देने से मात्रा आएगी, तो यहाँ से ओरिजिनल वाली मात्रा आएगी और नए खर्चे में नए भाव से भाग देने पर नई वाली मात्रा आएगी, है ना। तो ओरिजिनल मात्रा से नई मात्रा जब आएगी तो मात्रा से मात्रा का रिलेशन आ जाएगा, तो मात्रा का प्रतिशत आ जाएगा, है ना। इसको हल करके जो भी खर्चे में भाव से भाग देकर जो भी वैल्यू आएगा खर्चे में, ये बेसिक तरीका है, एक और स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा सवाल करने का, बहुत अच्छा वाला है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, चलो भैया तो एक्सपेंडिचर में 14 × 2/7% बढ़ रहा है, साथ में एक बढ़ रहा है, यानी कि खर्चा 7 से 8 की ओर जाएगा, खर्चा ये खर्चा ऊपर वाला है ना, और नीचे वाला क्या है आपका रेट, आई बात समझ में। साथ में एक बढ़ा तो बताइए खर्चा 7 से 8 की ओर जाएगा, है ना, और रेट में 57 1/7% बढ़ा यानी कि 4/7, तो 7 में 4 बढ़ेगा तो रेट 7 से 11 की ओर जाएगा, है ना। खर्चा 7 में 1 बढ़ा तो 7 से 8 की ओर जाएगा, और रेट 57 1/7% बढ़ा यानी कि 7 में 4 बढ़ा तो रेट आपका 7 से 11 की ओर जाएगा, आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। बस इतना ही करना, आप देखो कितना स्मार्टली काम करना, तरीके से देखिए हर चीज़ को करने का एक ट्रेक होता है, पॉइंट टू पॉइंट, यदि किसी भी चीज़ को आराम से शांति से पॉइंट टू पॉइंट सीख लिया विदाउट किसी भी छोटे छोटे पॉइंट को स्किप ना करते हुए, यदि आपने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को सीख लिया तो आराम से आप इजीली पहुंचोगे ना, इजीली, ये भरोसा आपने आप पर रखना है, ठीक है। तब देखिए क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट होता है ना, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से नया एक्सपेंडिचर 7 से 8, है ना, ओरिजिनल रेट से नया रेट 7 से 11, खत्म, क्योंकि क्यों निकालना था ना, ई बाई आर से ही तो आएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, 7 से 7 कैंसिल, अब ये क्या बचा, 1:8/11 बचा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 11 × 1 = 11, 8 × 1 = 8, तो भैया ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया ना आपका, किसका रेशियो आ गया आपका, क्वांटिटी का रेशियो, मतलब ये ओरिजिनल क्वांटिटी 11 यूनिट है और न्यू क्वांटिटी आपकी 8 यूनिट है, आई बात समझ में, है ना।
ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी 11 यूनिट है और न्यू क्वांटिटी आपकी 8 यूनिट है। क्लियर है ना? ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी 11 यूनिट है और न्यू क्वांटिटी आपकी 8 यूनिट है, ठीक है ना? तो बताइए क्वांटिटी में 3 यूनिट की कमी आ रही है क्या? ठीक है, अब ये वास्तविक मात्रा 11 बराबर आपको 110 किलो दिया है, दिया है। देखो वास्तविक मात्रा जो है ओरिजिनल कंजप्शन पुराना वाला वो कितना दिया आपको, 110 किलो है ना। यदि 11 बराबर 110 किलो है तो कमी कितनी आई, तो 10 का रिलेशन है तो 3 × 10 बताइए 30 किलो सामान कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर 11 बराबर 110 तो 8 बराबर 80 किलो सामान आ रहा है आपका। पहले 110 आता था, 80 आ रहा है, मतलब आप ही देख रहे हो 30 किलो कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, कितना किलो कम आ रहा है यही तो पूछा है। भाव 57 1/7% बढ़ गए, मात्रा में कितने किलो की कमी करें, तो मात्रा में कितने की कमी करें वो कितना आया, 30 किलो। मात्रा में कितने की कमी करें ताकि खर्च 14 2/7% बढ़े, मात्रा में कितने की कमी करें। तो जितनी जल्दी हो सके मात्रा का रेशियो आपको यहाँ से निकालना है। आई बात समझ में, है ना? सेकंड्स लगेगा इसमें, खास टाइम थोड़ी लगेगा आपको। आप जानते हो मात्रा से मात्रा, एक्सपेंडिचर बाय रेट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 7 से 8, रेट 7 से 11। क्लियर, बस सिंप्लीफाई करो, 11 से 8 का रेशियो आ जाएगा, है ना? ये ऊपर तो मैंने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो 11 बराबर 110, 3 बराबर 30 किलो कम आएगा, है ना? ठीक है, तो 3 बराबर कितना आएगा, 30 किलो। बोलिए आती है बात समझ में, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सुनिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना? तो 3 बराबर आएगा आपका 30 किलो। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक बहुत स्मार्ट बहुत प्यारा तरीका मैं बताता हूँ आपको, है ना? ठीक है, देखिए इसी को करने का एक और तरीका है, ठीक है? तरीका ऐसा है कि रेट इंटू क्वांटिटी से बनेगा सीधे रिजल्ट एक्सपेंडिचर, है ना? रेट इंटू क्वांटिटी से सीधे किसका रिजल्ट बनेगा आपका, एक्सपेंडिचर का। आई बात समझ में, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर रिजल्ट एक्सपेंडिचर, दिस इज सक्सेसिव मेथड। एक्चुअली दिस रिलेशन वर्क सक्सेसिवली, ये जो रिलेशन है कैसे काम करता है, ये रिलेशन इंटरनली अंदर से सक्सेसिव की तरह काम करता है, ऐसे और ऐसे, है ना? अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रेट में क्या चेंज आ रहा है, 57 1/7%, है ना? ठीक है, रेट क्वांटिटी, मात्रा का चेंज हमें निकालना है, और खर्च में क्या चेंज आ रहा है, 14 2/7%, है ना? यानी कि 7 में 1 बड़ा, तो बताइए 7 से 8 हो रहा है, क्या रेशियो बन रहा है ये, 7 से 8, 14 2/7% बड़ा, 7 में 1 बड़ा, यानी कि खर्च का रेशियो 7 से 8 की ओर जा रहा है। ये सर्कल 7 यूनिट है तो ये सर्कल 8 यूनिट है, खर्च 7 से 8, 7 पे स्टार्ट 8 पे एंड। रेट 57 1/7%, यानी कि 7 में 4 बढ़ा, तो रेट 7 से 11, ये रेट का सर्कल है 7 से 11, यदि 7 यूनिट है तो ये 11 यूनिट है। अब देखिए इस साइकिल के अनुसार ये 7 यूनिट है, इस साइकिल के अनुसार भी ये 7 यूनिट है, तो ऑलरेडी सेट है ना, इस रेशियो के अनुसार ये 7 आया, इस रेशियो के अनुसार भी, यदि अलग अलग आता तो एलसीएम लेके, क्योंकि ये भी इसी सर्कल को बता रहा है, इस रेशियो वाला इनिशियल पॉइंट भी इसी को बताएगा, इस रेशियो वाला इनिशियल पॉइंट भी इसी को बताएगा, दोनों एक ही चीज़ को बताएंगे, दोनों को कॉमन करने के लिए दोनों का हम एलसीएम लेंगे। लेकिन 7 और 7 ऑलरेडी कॉमन है, ऑलरेडी सेट है, तो 7 और 7 का एलसीएम फिर भी लोगे तो 7 ही आएगा। तो 7 से कितना हो रहा है, 11, 7 से 11, तो 7 का कितना हो जाएगा, 11, सर्कल को फिलअप करना है तीनों, 7 से 11, और ये 7 का 8, तो 7 बराबर 7 है तो 8 बराबर सच में 8 ही हो जाएगा ना, 7 बराबर 7 है तो 11 बराबर 11, 7 बराबर 7 है तो 8 बराबर 8। मात्रा का रेशियो 11 से 8 पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गई बात। मात्रा का रेशियो 11 से 8 आ गया कि नहीं आ गया बताइए, तो क्वांटिटी का रेशियो 11:8, 11 बराबर 110 दिया है, तो कितनी कमी हुई, 3 की कमी हुई, बताइए 3 बराबर 30 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, तो मात्रा का रेशियो आएगा 11 से 8। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना? तो 11 बराबर 110, तो 3 बराबर कितना आएगा, 30 किलो। कितना इजीली ओरली, मैं तो इसको ओरली करता, मैं इमेजिन करता, मैं इसको इमेजिन कर लेता 7 से 11, इसको इमेजिन कर लेता 7 से 8, 11 8, ओरली रेशियो मेरे हाथ में आता 11 बराबर 110, 3 बराबर 30 किलो। सो दिस इज वेरी 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 स्मार्ट अप्रोच, है ना? बहुत प्यारा अप्रोच है, बहुत ईजी वे में, बहुत कम में सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन देखकर, पता है आप लोगों को, ठीक है? तो 7 से 11 और 7 से 8, तो क्वांटिटी का रेशियो 11 से 8, 11 बराबर 110, तो 3 बराबर कितना आएगा, 30 किलो। बोलिए क्लियर है इतनी बात, है ना? आया है अप्रोच आपको समझ में? अब आप यदि ये जानना चाहते हैं कि सर ये अप्रोच सच में कैसे लगा,
तो उसकी गहराइयां है, मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? जब भी ए इंटू बी बराबर सी हो तो एक्चुअली इंटरनली दे आर वर्किंग सक्सेसिवली। ए इंटू बी बराबर सी, ए एंड बी आर टू साइकल्स एंड सी विल बी द रिजल्ट। क्लियर है ना? इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। तो 110 तो 3 बराबर 30 किलो, आया समझ में सवाल? तो रेट और एक्सपेंडिचर दिया हो, मात्रा कैसे निकालेंगे, ये तरीका दोनों तरीके में फॉलो करना है, दोनों से करना है काम, है ना, ठीक है। अब इसमें हमसे मात्रा मांगा था, यदि ये बोलता कि मात्रा में कितने परसेंटेज की कमी आएगी, कितने परसेंटेज की कमी आएगी मात्रा में, तो 3 कम हो रहा है 11 में, अंदर से आना चाहिए। 3 कम किस में हो रहा है, 11 में, इंटू 100, तो 300 बाई 11 से आ जाएगा परसेंटेज, है ना। 3 कम 11 में, तो परसेंटेज में भी आंसर आ जाता, लेकिन किलो में मांगा था, है ना। ये ओरिजिनल कंसप्शन है, ये नया कंसप्शन है, तो वास्तविक खपत 110, 11 बराबर 3 बराबर 30 किलो कमी, है ना। क्वेश्चन 2 हो गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। 2 के बाद अब हमें करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये इसमें तो क्या था, 7-7 ऑलरेडी सेट था, तो प्रॉब्लम नहीं आई। जब अलग अलग नंबर होंगे तो दोनों का एलसीएम लेके सेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, है ना। अब देखिए, हाँ, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, ओके, ठीक है ना, मूल्य में। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है, उपभोग में, कंजप्शन में 20% का डिक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, तीनों प्रकार के सवाल हो गए। सबसे पहले हमने कैसे क्वेश्चन किए, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट, है ना, रेट दिया है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले सवाल किए। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन कैसा किया, ये ऐसा वाला, रेट दिया, एक्सपेंडिचर दिया, क्वांटिटी निकालो। अब रेट और क्वांटिटी दिया, एक्सपेंडिचर निकालो, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है ना, सबसे इजी होता है, ठीक है ना। रेट इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो रेट इंटू क्वांटिटी करना, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ओरिजिनल और न्यू, है ना, रेट ओरिजिनल से न्यू और क्वांटिटी भी ओरिजिनल से न्यू। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का एक्सपेंडिचर वैल्यू आ जाएगा, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का एक्सपेंडिचर वैल्यू आ जाएगा, एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। अरे, सीधे वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करने से इधर का एक्सपेंडिचर यूनिट बनेगा, एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर क्या चेंज आ रहा, 25% बढ़ेगा, यानी कि 4 में 1 बढ़ेगा, तो 4 में 1 बढ़ेगा तो रेट 4 से 5 हो गया, 20% 1/5 यानी कि 5 में 1 घटेगा तो 5 से 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं, ये भी बी से, ये भी बी से, मतलब देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0% चेंज आएगा खर्चे में, है ना, तो खर्चे में 0% इसका आंसर आएगा। आए समझ में, तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने तीनों प्रकार से प्ले करवाया यहाँ पर, आई बात समझ में, क्लियर है। अब मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, एक तो मैंने छोड़ा है 4th वाला और एक 6th वाला, है ना। तो अब प्रैक्टिस शीट में से आप क्या करना, सबसे पहले प्रैक्टिस शीट का पूरा एनालिसिस करो, टाइप फर्स्ट का इस क्लास के बेसिस पर। प्रैक्टिस शीट के एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले सवाल जितने भी, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, प्रैक्टिस शीट में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले जितने भी सवाल है उनको पहले लाइन से टिक करो, है ना, लिख लो कॉपी में कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर में एक्सपेंडिचर कौन, क्वेश्चन की पहचान करना सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करने से पहले, है ना। तो पहले क्वेश्चन को पहचानो, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर ऐसे जिनमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है उनके क्वेश्चन नंबर लिख लो, फिर कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें रेट और एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है क्वांटिटी निकालनी, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे उनकी छटनी कर लो, उनका सिलेक्शन कर लो, फिर लास्ट में कौन से क्वेश्चन होते हैं इनका सिलेक्शन कर लो। पहले प्रैक्टिस शीट का पूरा सिलेक्शन कर लो, समझ आ रही बात, कुछ कुछ क्वेश्चन में ना समझ में आए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लो इस प्रकार से, फिर उसके बाद करो तो आपको मजा आएगा। ये वीडियो देखो कैसे कैसे मैंने बताया, उस प्रकार से करो, मजा आएगा, क्लियर है ना। तो टाइप फर्स्ट था हमारा, टाइप सेकंड भी इसी प्रकार का है पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए, आप करिए टाइप फर्स्ट पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।